वो है बांग्लादेश है उस तरफ, तो यहाँ से बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी पूरा बांग्लादेश। ओ भाई क्या है ये, पूरा का पूरा बादल आ गया रास्ते में, आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत नजारा है। वाओ, नॉर्थ ईस्ट है ये, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जा रहा हो बोरापानी से शिलोंग होके पोंगटोंग तक जाएगा, पोंगटोंग के बाद जाएगा क्लीन विलेज और रूट ब्रिज तक जाएगा। सो आप लोग वीडियो को देखता रहना। तो अगर पिछले वाला ब्लॉग फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग देख सकता है चेकआउट करके। ये मेघालय रेड का सेकेंड एपिसोड होने वाला है। जो ब्रिज है उधर से नीचे से देखा था ब्रिज, वही है ब्रिज, यहाँ से ऐसा है कुछ नजारा। वाव, बहुत ऊपर में है ये जगह के लिए। तो ये है वाव। तो अभी जो है थोड़ा सा सिटी इलाका मिलने लगा है, तो शिलोंग आई थिंक शुरू होने वाला है इधर से। शिलोंग सिटी से हमको घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है, शिलोंग सिटी में बहुत अच्छा अच्छा देखने के लिए जगह है, जैसे कि आप लोग शिलोंग व्यू पॉइंट, स्वीट फॉल्स, डॉन बॉस्को म्यूजियम और उमियाम लेक, कैथेड्रल, कैथलिक चर्च, एलिफेंट फॉल्स, मेघालय स्टेट म्यूजियम, यह सब जगह देख सकते हैं आप लोग। लेकिन हम अभी ये सब जगह में एक्सप्लोर नहीं करेगा, हम लोग जा रहा हो 70 किलोमीटर दूर यहाँ से, जो कि माउलिनोंग है, इस जगह में जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, इस जगह में जाएगा और यहाँ पर ये लिविंग रूट ब्रिज उसके आसपास इलाका में है, हम लोग यहाँ पर जाएगा। तो हम लोग जो है उस तरफ जाने वाला था लेकिन दोस्त लोग इधर बुला लिया, अभी थोड़ा फटक गया था रास्ता, तो फिलहाल हम लोग स्ट्रीट की तरफ जा रहा हो, दोस्त लोग आगे रुका हुआ है। ओके देन, वो साइड में जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, बहुत बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, वो पाइन ट्री है। इसके बाद वो साइड साइड में पूरा ये है एयरफोर्स है, और सामने में एक एयरफोर्स का म्यूजियम भी है। तो यही है म्यूजियम का गेट, उधर देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट साइड में। क्या बोल रहे जगह, सतमाई, इस जगह का नाम है सतमाई। ये है छोटा सा टाउन है, तो डाउकी तो अभी 1.5 घंटा लगेगा बोले, 70 किलोमीटर है डाउकी तक, तो देखता रहना आप लोग। डाउकी 6-7 किलोमीटर आगे स्नोंग पाडेन विलेज बोली से ताते घुस गए, टेन को थाको व्यवस्था आसे। डाउकी में रूम नहीं मिल से, डाउकी से 5-6 किलोमीटर है, 5-6 किलोमीटर स्नोंग पाडेन ना गांव का नाम जुआई। हां, इसके बाद फिर वहां से कल जुआई होके आप लोग क्योंकि बांग्लादेश का पास है ना, क्लीन विलेज अभी गर्म होगा। डाउकी, डाउकी भी गर्म है, स्नोंग पाडेंग विलेज जो है ना, जो डाउकी लेक है ना, लेक के पास है, पूरा रात को बहुत तेज हवा चलता है, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। तो भैया जी को मिला आपका असम नलबारी से ना, तो अच्छा ओरिजिनल नलबारी का ही है लेकिन गुवाहाटी में रहता है, टूरिस्ट टैक्सी चलाता है। अच्छा, तो हम भी नलबारी का पास से है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है, तो मिल के अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू वर्मा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस जगह में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, मतलब लेना मजबूरी हो गया इस जगह को देख के, बहुत ही खूबसूरत सीन है, वही है ब्यूटी ऑफ मेघालय। मेघालय इतना खूबसूरत है, आप लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए कभी। वाओ, वाओ, ये देखिए नजारा, पूरा बादल के उस तरफ है पहाड़ है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कभी कभी तो रास्ता दिखना भी बंद हो जाता है, इतना बादल आ जाता है रास्ते में, मतलब बहुत खूबसूरत नजारा है। अभी पहाड़ को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बादल उस तरफ आ रहा है, और इसको भी बोलता है नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। आप लोग आना चाहिए इस सब जगह में घूमने के लिए, इंडिया में भी है ऐसा कमाल का जगह।
इधर कुछ रास्ते का काम चल रहा है, शायद उधर नया रास्ता बनाने वाला है, उधर शॉर्टकट रास्ता शायद बनाने वाला है। जो आगे का जो लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अलग लोकेशन है, किसी हॉलीवुड सीन की तरह लग रहा है। वाओ, जो उस पहाड़ के उस तरफ जो दिखाई दे रहा है ना अभी, वो है बांग्लादेश है उस तरफ। तो यहाँ से बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी, पूरा बांग्लादेश पूरा पानी ही पानी। तो इधर तो है हम लोग फोंगथुंग विलेज मिल गया अभी, ये छोटा सा विलेज का शौक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर चाय पीने वाला हो, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो दूध का चाय पीने वाला है। तो भैया जी को बोला है पीने वाला है चाय, ये है चाय स्पेशल चाय और मेघालय उधर। तीन दिवस में रहने का जगह मिलेगा ना, तीन दिवस में रहने का। और तो अभी जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके बाद हम लोग अभी होंगथुंग में है। अभी माउलिंग यहाँ से 18 किलोमीटर है और दाउकी 20 किलोमीटर है। हम लोग माउलिंग में जाएगा पहले, मतलब उधर क्लीन विलेज में जाएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखने के लिए मिलेगा क्लीन विलेज, ठीक है।